महाराष्ट्र एटीएस चीफ राकेश मारिया को मुंबई का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। वो सत्यपाल सिंह की जगह लेंगे। हफ्ते भर पहले सत्यपाल सिंह इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। मारिया मुंबई में हुए 1993 के सीरियल धमाकों और 26/11 के आतंकी हमलों की जांच का नेतृत्व कर चुके हैं। मुंबई को मिला नया पुलिस कमिश्नर, राकेश मारिया संभालेंगे पुलिस कमिश्नर की कुर्सी। नया पुलिस कमिश्नर चुनने में लगे हफ्ते भर से ज्यादा खाली रही मुंबई पुलिस कमिश्नर की कुर्सी अब राकेश मारिया को सौंप दी गई है। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने एक हाई लेवल मीटिंग के बाद ऐलान किया कि सत्यपाल सिंह के बाद अब राकेश मारिया मुंबई पुलिस कमिश्नर होंगे। दरअसल सत्यपाल सिंह की कुर्सी छोड़े जाने के बाद ही कई नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। यहां तक कि नए पुलिस कमिश्नर के नामों को लेकर सट्टा लगाने तक की खबरें आई थी, लेकिन राकेश मारिया के नाम के ऐलान के साथ ही सारे कयासों पर विराम लग गया। राकेश मारिया का नाम मुंबई पुलिस के काबिल अफसरों में शुमार किया जाता है। राकेश मारिया के अब तक के करियर पर नजर डाले तो 1981 बैच के आईपीएस हैं। पहली पोस्टिंग सहायक पुलिस अधीक्षक के तौर पर अकोला में हुई थी। 1986 में मुंबई में तबादला हुआ, लेकिन राकेश मारिया का नाम पहली बार तब सुर्खियों में आया जब 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए। विस्फोट में 257 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। मारिया उस वक्त डिप्टी पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक के पद पर तैनात थे, लेकिन बाद में उन्हें पुलिस आयुक्त क्राइम ब्रांच नियुक्त कर जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई। 2003 में गेटवे ऑफ इंडिया और झावेरी बाजार में हुए सीरियल बम ब्लास्ट से मुंबई दहल उठा। ये मारिया ही थे जिन्होंने महज 3 दिनों के भीतर धमाके के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मारिया की काबिलियत पुलिस महकमे में सिर चढ़कर बोलने लगी। इसके बाद 26/11 को हुए मुंबई हमलों की जांच की जिम्मेदारी राकेश मारिया को सौंपी गई। राकेश मारिया फिलहाल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ हैं। जाहिर है मारिया को पिछले कई सालों में मुंबई में हुए आतंकी हमलों की जांच का लंबा तजुर्बा है। अब देखना यह है कि मुंबई पुलिस के कई पुलिस अफसरों के नाम को पीछे छोड़ते हुए पुलिस कमिश्नर बनने वाले मारिया मुंबई करों को महफूज रखने की चुनौती से कैसे निपटते हैं।